हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु, और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, मैं मैथमेटिकल टूल्स लेके आया हूं पहले, ठीक है? सॉरी। देखो, कुछ मैथमेटिकल टूल्स यूज होते हैं फिजिक्स में, कुछ बच्चे, क्योंकि देखो यहाँ पे मेडिकल ले रखे जिसने वो भी करता है, और जो नॉन मेडिकल वो तो मैथ्स करते ही करता है। तो सिर्फ उनके लिए, जो कि बेसिकली मतलब एक बिल्कुल बेसिक मैथमेटिकल टूल्स करूंगा जो हमारी फिजिक्स में यूज होते हैं, उन लोगों के लिए जो मेडिकल कर रहे हैं, ठीक है? और नॉन मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहला मैं टूल लेके आया यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, इसको मैथ्स में डेरिवेटिव भी बोला जाता है, डेरिवेटिव, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेशन। क्लियर? बात एक ही होती है, कोई फर्क नहीं। अब ये है क्या चीज, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो जुड़ रही है मेरे साथ, और प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो के एंड तक ये कंसेप्ट डेफिनेटली तुम्हारे यहां पे होगा। बिल्कुल, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और करते हैं शुरू। यस, पार्ट नंबर वन रहेगा, ठीक है? 3 से 4 पार्ट कवर करूंगा मैथमेटिकल टूल्स में, और इसके बाद फिर मोशन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करूंगा हम, करेंगे हम काइनेमेटिक्स को। तो देखो, समझते हैं पहले है क्या चीज। मैंने यहां पर एक ग्राफ लिया जिसमें हमारे पास ये वैल्यू टी है और ये वैल्यू एक्स है। क्लियर? अब होगा क्या, अगर तो मेरे पास ये यूनिफॉर्म है, तो देखो ये लिया मैंने, अगर इस पॉइंट पे देखूंगा तो जितना टी बढ़ेगा उतना ही एक्स बढ़ेगा, ठीक है? ये होती है बेसिकली स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या फिर एम इज इक्वल टू से वाई अपॉन एक्स, ये होती है। तो अगर मैं यहां पे स्लोप का फॉर्मूला लगाऊं तो एक्स अपॉन टी डायरेक्ट यहां से स्लोप आ जाती है। बट ये तो स्ट्रेट लाइन की, ठीक है? स्ट्रेट लाइन मतलब सिंपल सी बात है, जितना एक्स चेंज होगा उतना ही टी चेंज होगा। यहां से अगर मैं यहां चला जाऊंगा तो जितना एक्स चेंज होगा उतना ही टी चेंज होगा, ये सेम रहेगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो लाइन है हमारी स्ट्रेट नहीं होती है, जिसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है? तो कंपेयर करेंगे, पता लग जाएगा। ग्राफ को मैं इरेज कर दूंगा बिकॉज मेरे को कंसेप्ट करवाना है। बट चलो कोई बात नहीं, पहले समझते हैं फिर देखते हैं आगे क्या करना है। देखो अब क्या है, मुझे यहां पर टी दे रखा है और यहां पर दे रखा है हमें एक्स। अब ध्यान से देखो, मेरे पास जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में से स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन ना होके किसी भी तरह से हो सकता है। अगर मैं यहां पर सिर्फ इतनी सी वैल्यू लूं, सिर्फ इतनी सी कि भाई यहां से लेके यहां तक गया। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बिल्कुल, मैंने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया। अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स चेंज हुआ इतना, लेकिन टी की बात करूं तो टी चेंज हुआ सिर्फ इतना। अगर मैं यहां से लेके यहां तक चलूं, तो ध्यान देना, चीटिंग नहीं करूंगा, 90 डिग्री बनाऊंगा जितना मेरे से बनेगा, ये रहा। अब जरा ध्यान से देखेंगे कि टी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज हुआ, लेकिन अगर हम बात करें एक्स की तो एक्स हमारे पास काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। क्लियर है? तो अगर सोचे तो थोड़े टर्म पे, अगर ज्यादा टर्म पे करूंगा तो और ज्यादा चेंज होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। कौन सी चीज कैसे यूज हो रही है, इसकी वैल्यू दे रखी होती है हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी स्लोप कुछ और दे रखी होगी, से x इज इक्वल टू, सॉरी मैंने यहां पे एम एक्स प्लस सी ले लिया, यहां पे लेना चाहिए मुझे x इज इक्वल टू से एम टी प्लस सी, या फिर एम टी ये दे रखी है, ठीक है? ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ही आया बेटा, ठीक है? मैथ में तुम्हें अलग तरीके से कराते हैं, मैंने x और t लिया है यहां पर, तो मैं एक्स वाई भी यूज कर सकते हो। एनीवेज, तो एक्स इज इक्वल टू कुछ भी से ए टी स्क्वायर प्लस 4t, ये क्वेश्चन हो जाएगी। मतलब ये है कि
कि यहां पर तुम्हारे पास नॉन यूनिफॉर्मली ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। आया कुछ समझ? जरूरी है एक्स टी होगा, मैं वाई टी भी ले सकता हूं, मैं यहां पे के टी भी ले सकता हूं, मैं यहां पे एक्स वाई भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं मैं यहां पे। चलो देखो, तो अब क्या होता है, जो मैं इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल को नहीं यूज कर रहा हूं, इस वाले को हम इरेज कर देते हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैं इस बात करूं, जो ये यहां पर चेंज हुआ है बेटा, इसको बोलते हैं हम, जो स्मॉल चीज, इसको हम बोलते हैं डी एक्स, क्योंकि ये एक्स के टर्म में है। और जो यहां पर चेंज हुआ है इसे बोलते हैं हम डी टी। देखो फिजिक्स में डेल्टा टी और डी टी यूज करते हैं, ऑलमोस्ट सेम होता है, और डेल्टा एक्स यूज करते हैं हम डी टी के लिए, वो भी सेम होता है। क्लियर है? डन, इजी है, मुश्किल तो नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं कि भाई ये जो चेंज होता है, फिर इसमें रूल क्या लगाएंगे हम, कैसे चेंज करेंगे इसे। तो ये सारे के सारे चीज आती है फॉर्मूले से। अभी समझना जरूरी था कि होता क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो हम अब देखने वाले हैं। क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, इस लाइन को डिफरेंशिएट कर देंगे, इतने में इतने में इतने में इतने में एक्स की वैल्यू डालेंगे या टी की वैल्यू डालेंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक तरफ वाई है और एक तरफ एक्स है। मान लेते हैं कोई वैल्यू है जिसमें हमारे पास है एक्स रेज टू पावर ए, वेयर ए इज अ पावर। क्या है? पावर। तो होगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी वाई डी एक्स के टर्म में चेंज हो रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा इसका, ए आगे आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर माइनस वन हो जाएगी, मतलब ए माइनस वन हो जाएगी। मतलब ये क्या था, वाई था, लेकिन वाई कितना चेंज हो रहा है एक्स के साथ, वो ये है। आया समझ कितना हो रहा है, कुछ क्लियर हुआ? जैसे एग्जाम्पल करते हैं, छोड़ो एग्जाम्पल से, हमारे पास है y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, सो डी वाई ओवर डी एक्स, बस तुम्हें क्या करना है, ये पावर आगे ले आनी है, तो 9 टू 18 एंड x रेज टू पावर 2 माइनस 1 मीन्स 18x डी वाई बाई डी एक्स, सिर्फ इतना सा आ गया। बहुत इजी है बेटा डिफरेंशिएशन। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहना तभी क्लियर होगी, अभी छोड़ के भागोगे कोई और वीडियो देखते रहोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए एक वीडियो को देखो, ध्यान से देखो, पता लग जाएगा, ये कंसेप्ट है, ये न्यूमेरिकल है। चलो देखते हैं, मान लो y इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x की क्यूब प्लस 3। नाउ डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू, ये आगे आएगा 6x, क्योंकि 1 हो जाएगी पावर, प्लस हो क्या रहा है, ये आगे आ गया, जैसे मैंने बताया था a आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी, तो यहां पे आ गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है। 5 3 जा, ये आगे आ जाएगा तो 15 आ गया, x रेज टू पावर 2 प्लस। कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट का नाम ही कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 0। क्यों, ध्यान देना, क्या ये जो 3 है ये y की रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? नो, तो 0 आ गया। तो हमारे पास जो डी वाई बाय डी एक्स आया वो आया 6x प्लस 15 एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल और देखते हैं, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x की 4 प्लस 3x की क्यूब। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा हमारे पास, 3 टू 6x प्लस ये आगे आ जाएगा 5 4 20x की क्यूब, बिकॉज 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 3 3 9x स्क्वायर। नाउ दिस इज डिफरेंशिएशन। अगर मैं x और y के बदले कोई और लेना चाहूं तो उसे देखते हैं। मान लेते हैं हमें रखा है x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 4, तो क्या आएगा dx ओवर dt, x को चेंज कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t, फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ये आगे आएगा नीचे, तो कितना आएगा 3 टू 60 प्लस 5t का क्या आ गया 5, बिकॉज t अभी कैसे आएगा, देखो ध्यान से,
रेस्ट पावर वन है, तो वन इंटू फाइव टी रेस्ट पावर वन माइनस वन, वन माइनस वन कितना होगा जीरो, और फोर की तो होगी जीरो, तो यह आ जाएगा टी रेस्ट पावर जीरो एंड टी रेस्ट पावर जीरो इज इक्वल टू वन, और यह आ जाएगा फाइव, तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू सिक्स टी प्लस फाइव ओनली। आया समझ? ये मैंने तुम्हें सिर्फ अभी दो फॉर्मूले बताया, एक ये एक ही बताया बेसिकली, एक तो बताया कांस्टेंट की जीरो होती है और अगर चेंज करते हैं तो ऐसे चेंज करते हैं। चलो दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास डिवीजन में है। मैं पहले बता रहा हूं बेटा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो तभी कुछ मजा आएगा करने का, ऐसे देखोगे वर्चुअल है, जितनी जल्दी समझ आएगा उतनी जल्दी भूल भी जाओगे। फर्स्ट फॉर्मूला था, तो अब हम बात करेंगे सेकंड फॉर्मूले की, जिसके अंदर हम दो को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां पर यू और वी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड दोज बिलोंग्स टू एक्स, तो इसका फॉर्मूला कैसे होगा ध्यान देंगे बेटा, वी की जो दूसरा वाला है वी की छोड़ेंगे यू को पकड़ेंगे प्लस यू को छोड़ेंगे वी को पकड़ेंगे, मतलब वी को छोड़ो यू की कर दो, यू को छोड़ो वी की कर दो, ठीक है। लेकिन क्या कर दो, देखो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझ आ जाएगा। हमें दे रखा है मान लो y इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वेयर एंड थ्री एक्स क्यूब माइनस वन, इसे सॉल्व करना है। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा v को छोड़ो u की करो, तो ये हमारे पास v है और ये हमारे पास u है, तो v को छोड़ो और डी डी एक्स किसकी करो u की, प्लस U को छोड़ो और डीडीएक्स किसकी करो V को, एंड डीडीएक्स तुम्हें करनी आती है फर्स्ट फॉर्मूले से, तुम क्या करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स की क्यूब माइनस वन, ऐसे ही रहेगा एंड यहां पे रहेगा फोर टू जा एट एक्स, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट फोर एक्स स्क्वेयर एज इट इज रहेगा, यहां पे थ्री थ्री जा नाइन एक्स स्क्वेयर माइनस जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है तो सिंपल नाइन एक्स लिख सकते हो, इजी है। एक और करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं इसी गई यूवी का, सो वाई इज इक्वल टू से हमें दे रखा है एक्स का फंक्शन देना है थ्री एक्स स्क्वायर एंड फोर एक्स ओनली, ठीक है इजी रखते हैं बिल्कुल। डी वाई ओवर डी एक्स मैंने क्या बताया, ये शॉर्ट में बता रहा हूं, वी को छोड़ो यू की करो, यू की क्या थ्री टू से सिक्स एक्स, प्लस यू को छोड़ो वी की करो, क्या आएगी फोर। आया समझ? ये तो डायरेक्ट करवा दिया, कुछ क्लियर हुआ? ठीक है इजी है बिल्कुल, कोई फर्क नहीं है, बस एक को छोड़ना है एक को पकड़ना है, एक को छोड़ना है एक को पकड़ना है, एक को छोड़ना एक को पकड़ना है, बस खत्म, क्लियर है। इसके बाद हम थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, देखो जरा ध्यान से, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, इस वीडियो को समझ नहीं आया तो मैं इसी टॉपिक पे दोबारा भी वीडियो बना सकता हूं अलग एग्जांपल्स के साथ। अब हमारे पास थर्ड आ गया फॉर्मूला, बेटा थर्ड फॉर्मूला क्या कहता है, थर्ड फॉर्मूला ये कहता है कि भाई अब डिवीजन होगी, तो y इज इक्वल टू अगेन u अपॉन v है एंड u एंड v बिलोंग्स टू x, ये बिलोंग करते हैं x को, तो जब ये x को बिलोंग करते हैं तो अब क्या होगा dy ओवर dx, मैंने क्या बताया था तुम्हें v को छोड़ो u की करो, तो v को छोड़ो u की करो, यहां पे प्लस था यहां पे माइनस होगा एंड u को छोड़ो v की कर दो, डिवाइडेड में v स्क्वायर। फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बस ये एक दो बार क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें आदत हो जाएगी, मैंने बताया अगर मल्टीप्लाई में होगा डिवाइड में होगा तो ये ना डी वाई एग्जाम्पल करें, एक एग्जाम्पल करते हैं इजी होगा। हमें दे रखा है y इज इक्वल टू नाइन एक्स ओवर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है सॉल्व करना है। ना डी वाई ओवर डी एक्स, एक एक स्टेप बता रहा हूं ध्यान देना, v को छोड़ो u की करो, डी डी एक्स ऑफ नाइन एक्स माइनस u को छोड़ो v की करो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्या बताया मैंने ये u है ये v है, v को छोड़ो u की करी
माइनस यू को छोड़ा वी की करी एंड डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर. नाउ dy ओवर dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 एंड 9x की क्या होगी ओनली 9 माइनस 9x की 9x है इसकी क्या होगी 3 टू 6x ओनली बिकॉज 2 की डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट की कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है. क्लियर हुआ? कुछ हद तक क्लियर हुआ. चलो एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इसका और अच्छे से समझने के लिए. देखो तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. y इज इक्वल टू से 2x अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 3. ये ना दिस इज द क्वेश्चन. बहुत इजी है, मजा आ जाएगा. देखो dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब मैंने क्या बताया है, u की करो v की छोड़ो. तो 4x प्लस 3 v को छोड़ दिया एंड u की डिफरेंशिएशन कर दी. माइनस u को छोड़ दिया v की डिफरेंशिएशन कर दी अपॉन v का स्क्वायर कर दिया. इजी है ना. dy ओवर dx इक्वल टू ये आ गया 4x प्लस 3 डिवाइड बाय dx 2x प्लस 1 की क्या हो जाएगी यहां पे 2 माइनस 2x प्लस 1 रह गया एंड dy बाय dx इसकी क्या हो जाएगी 4 अपॉन 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर विच इज v स्क्वायर. क्लियर है बेटा? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी. ये मैंने बताया सिंपल, ये मैंने बताया मल्टीप्लीकेशन में, ये मैंने बताया डिवीजन में. ठीक है, कुछ नहीं करना. सारे के सारे जितने कंसेप्ट करवा रहा हूं सिर्फ उनका एक एक सॉरी सिर्फ तीन तीन एक एक कंसेप्ट के तीन तीन चार चार न्यूमेरिकल कर लेना, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी उससे ज्यादा. चलो अब हमारे पास थर्ड फॉर्मूला भी हो गया. अब हम बात करेंगे फोर्थ फॉर्मूले के बारे में. देखो अगर हमारे पास y इज इक्वल टू log x है तो क्या होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 बाय x. अरे ये क्या हो गया बेटा? log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाय x. क्लियर है? कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अगर चाहो तो मैं इसी में बता सकता हूं. ठीक है, चलो बता ही देता हूं. देखो जो हमारे पास बेसिक होते हैं बिल्कुल वो होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस ऑफ सॉरी ओनली कोज एक्स. साइन एक्स की होती है कॉज एक्स. अगर मैं बात करूं हमें दे रखा है y इज इक्वल टू कॉज एक्स एंड dy ओवर dx की होती है माइनस के साथ साइन एक्स. इसके अलावा बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ठीक है, जिनके फॉर्मूले में साइड में भी लिख दूंगा, ज्यादा यूज नहीं होते हैं, बेसिकली मोस्टली ये यूज होते हैं ठीक है फिजिक्स में मोस्टली. तो ये आ गया हमारे पास. देखो नेक्स्ट, इनके अलावा बेटा होते हैं हमारे पास चेन रूल. ठीक है, चेन रूल. चलो पहले मैं इसके फॉर्मूले एक बार रिवाइज करवा देता हूं फिर देखते हैं. देखो बच्चों, अब मैंने यहां पे कुछ न्यूमेरिकल लिखा है. मैंने बताया y is equal to sin x होगा तो dx क्या होगी इसकी? cos x. अगर इसकी करेंगे तो minus sin x. अगर मैं cot x ही करता हूं तो minus cosecant square x, tan x ही करता हूं तो secant square x, secant x ही करता हूं secant x tan x एंड cosecant की करता हूं तो minus cosecant x cot x. ये बहुत रेयर यूज होती है इसलिए मैंने करवाया नहीं. ये बहुत बार यूज होता है, ये वाला हो गया और ये दो, ये मोस्टली तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, ये वाले तीन वाले मैथ्स के लिए अच्छे हैं मैथ्स में, बट मैथ्स में तो इससे भी ज्यादा एडवांस है. ठीक है, फिजिक्स में इतनी ज्यादा एडवांस यूज नहीं होती है तो हम इतने ही करेंगे. वैसे हम तुम मैथ्स वाले बच्चों तो पढ़ोगे अभी मैथ्स में. चलो देखो, तो ये मैंने कुछ फॉर्मूलेज बताए हैं. इसके अलावा हमारे पास होता है बेटा चेन रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होते हैं. चलो समझते हैं कैसे होता है. इसे इरेज कर रहा हूं, अगर तुम्हें लिखना हो तो तुम बैक जाके लिख सकते हो. देखो चेन रूल,
बेटा चेन रूल क्या चीज है? बहुत ही जबरदस्त रूल है। मान लेते हैं मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का पावर 4। अब क्या हुआ देखो ध्यान से, एक तो ये पावर है, दूसरा अंदर ये है, दो फंक्शन है इसमें ध्यान रखना। तो कैसे होगा y इज इक्वल टू, पहले तो हम बाहर पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ddx करेंगे हम बाहर पावर की, विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x रेस टू पावर 4 की डॉट, इसी के मल्टीप्लाई में हम करेंगे ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x की अलग अलग, पावर नहीं यूज करेंगे ध्यान। इसे कहते हैं चेन रूल, पहले बाहर फिर अंदर। तो y इज इक्वल टू कैसे आएगा देखो जरा ध्यान से, पहले पावर हुई तो पावर आगे आ गई एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x रेस टू पावर 3 डॉट एक्स स्क्वायर 3x को क्या आएगा 2x प्लस 3, बिकॉज ये आगे आ जाएगा 2x एंड 3x आ जाएगा 3, तो ये हमारे पास आएगा रिजल्टेंट। क्लियर? इसके अलावा चेन रूल के क्वेश्चन को और भी करते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, कोई इजी सा बेटर रहेगा। यस, ये सारे सारे फॉर्मूले लिख लेना और बेटा 3 से 4-5 न्यूमेरिकल कर लेना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, देखो फिजिक्स का एक बहुत आसान तरीका है, कोई भी कंसेप्ट करो उसके ऊपर 5 न्यूमेरिकल कर लो, बस इजी रहेगा, बहुत जल्दी समझ आएगा कंसेप्ट और बहुत लंबे समय तक उसे रिटेन कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज तुम डेरिवेशन करोगे खत्म, कंसेप्ट किया खत्म, नहीं ऐसे नहीं होती फिजिक्स, फिजिक्स में घुसना पड़ता है तब मजा आता है फिजिक्स को करने का। देखो तो एक क्वेश्चन और करेंगे, मैंने बताया y इज इक्वल टू, मान लेते हैं हमारे पास है साइन 3x, नो व्हाट इज दिस, एक तो साइन है ऊपर से 3x है, दो फंक्शन है यहाँ पे, तो dy ओवर dx ध्यान रखना, कितनी जल्दी करूंगा, कोई ज्यादा रूल अप्लाई नहीं करूंगा मैं इसके अंदर, साइन x की ddx करी साइन 3x एंड साथ में मैंने डॉट के साथ कर दी ddx ऑफ 3x, क्योंकि ये है इंटरनल फंक्शन, मैंने बताया था चेन रूल। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन 3x, साइन की क्या होती है cos x, तो यहां cos x cos 3x, शायद नींद आ रही है मेरे को, और 3x आ गया 3, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आया 3 cos 3x। क्लियर? इस समय जो टाइम हो रखा है अबाउट बाइल है यहां पे, कहां है मान के चलो कि 1:30 बजे रखे हैं और ये 1:30 बजे वीडियो बन रही है रात को। देखो बस अब लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल और करवा के इस वीडियो खत्म करेंगे, फिर कल पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, ठीक है, आज यहीं तक खत्म करेंगे। चेन रूल में एक और मन कर रहा है मेरा करवाने का, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। फिजिक्स है ही ऐसी चीज, इतनी मजेदार है कि सुनने तक का मन नहीं करता, बस क्वेश्चन करते रहो करते रहो करते रहो, और ध्यान देना मजा तभी आता है जब क्वेश्चन निकलने लग जाता है, जब क्वेश्चन नहीं निकलता तो मजा नहीं आता, जिंदगी भी ऐसे ही है, लेकिन हमें फिर भी डट के रहना पड़ता है। जब तक तुम कोई चीज सोचोगे कि ये करना है और तुम ट्राई करोगे, वो अगर करते रहोगे और वो होता चला जाएगा तो तुम्हें जिंदगी जीने का मजा आ जाएगा, तुम उसके हैबिचुअल बन जाओगे, लेकिन अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर तुम निराश हो जाते हो और तुम चीजों को छोड़ देते हो, ऐसा नहीं करना। अगर हम जो चीज हो रही है उसमें भी लगे हुए हैं, उसमें मजा आ रहा है, तो जो चीज नहीं हो रही है उसे भी हमें पूरा ही एडवांटेज देनी चाहिए, उसमें भी पूरा पूरा घुसना चाहिए, तभी तो वो होगा और फिर मजा आएगा। बेटो एक कोई लेजेंड ऐसे नहीं बन जाता, उसके पीछे की पूरी पूरी स्टोरी होती है, बहुत बड़ी स्टोरी होती है। चलो छोड़ो, यहां पर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो y इज इक्वल टू से हम देखते हैं एक एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x रेज टू पावर 4 हायर पा, ये क्या दे दिया सर। y इज इक्वल टू, पहले देखो मैंने बताया पहले पूरे पूरे फंक्शन ही कर लो, 4 आ गया एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x, अब तुम प्रो हो चुके हो वैसे भी, 4 आ गया 3 पावर्स में आ गया, मल्टीप्लाई अंदर वाले फंक्शन ही कर दो, एक्स स्क्वायर की 2x प्लस साइन 2x की क्या होगी, यस साइन 2x की होगी बेटा cos 2x। नाउ
टू एक्स की होगी टू कॉस के साथ में, क्लियर है। तो वाई इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस साइन टू एक्स रेस टू पावर थ्री इंटू टू एक्स प्लस टू कॉस टू एक्स, कितना बड़ा बन गया ना, क्लियर हुआ। बस इतना सा कंसेप्ट है मेरा डिफरेंशिएशन। यही सेम कंसेप्ट मैं तुम्हें करवाऊंगा जाके मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जहां पर हम करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, और बहुत मजा आने वाला है, मजा आएगा बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन करके देखो, एक क्वेश्चन समझते हैं, नाइन्थ क्लास में तुम पढ़ के आए हो, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना सही दो मिनट और सही। देखो फिजिक्स में भी घुसी जाते हैं, अरे तुम इतनी मैथ पढ़ लिया तो फिजिक्स ही पढ़ लो। देखो डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं एक्स, वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डी एक्स ओवर डी टी। इंस्टेंटेनियस है बेटा ये, इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस की, और इंस्टेंटेनियस होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब डीवी बाय डी टी। देखो एक क्वेश्चन देता हूं, देखो कितना मजा आएगा कैसे फिजिक्स में हम इसे यूज करेंगे ना। देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी माइनस टू, इजी फाइंड। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड, ये सारी चीजें निकालनी है तुमने एक्स इज इक्वल टू और टी इज इक्वल टू टू सेकेंड पे, मतलब दो सेकेंड पे बताओ पार्टिकल की कितनी एक्सेलरेशन थी, दो सेकेंड पे बताओ उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट थी, और दो सेकेंड पे बताओ कितनी वेलोसिटी से चल रहा था। चलो शुरू करते हैं, ये हमारे पास रखी बेटा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, तो डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं एक्स एट टू, टी टू करना है ना, तो क्या क्या सिंपल सा फंडा है, थ्री टू टू जा फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस फोर टू जा एट माइनस टू, तो एट माइनस टू सिक्स और प्लस ट्वेल्व इज 18 मीटर, बिकॉज मीटर ही होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की यूनिट। यही होगा या नहीं, यही होगा ना। आगे बढ़ते हैं, अब उसने बोला वेलोसिटी निकालो, हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी होता है, तो देर किस बात की है, बस इस इक्वेशन को तुम टी की रिस्पेक्ट में चेंज कर दो। ध्यान देंगे कैसे, ध्यान देंगे कैसे बेटा, डी बाय डी टी करेंगे हम एक्स, थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर टी, 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2, अगर इसकी डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा वो वेलोसिटी, एंड इज इक्वल टू 3 टू जा 60 प्लस 4 कांस्टेंट की 0। समझ आया कैसे, और किस पे निकालनी है 2 सेकंड पे, तो टाइम की वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू 2 प्लस 4 6 टू जा 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे उसकी जो स्पीड थी वो 16 मीटर पर सेकेंड थी। और अगर a की बात करें तो a इज इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी। नाउ वट यू हैव टू डू इज v को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, d अपॉन डी टी, v की वैल्यू पुट कर दो 60 प्लस 4, और ये आया a इज इक्वल टू कितना आएगा ओनली 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ तो स्ट्रेट लाइन में करेंगे क्लियर, मैं सिर्फ यहां पे डिफरेंशिएशन करवाने आया था, मोशन नहीं करवाने था, तो रात की बात है और फिजिक्स जाग गई मेरे अंदर की, और मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया फिजिक्स का भी। चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, वैसे भी नींद आ रही है, सो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो
और गुड नाइट।